कहते हैं ना कि स्थिति कैसी भी हो, मरना गरीबों को ही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। दरअसल ये वीडियो मेरठ में सराय बेहलीम इलाके में एक छत से शूट किया गया। 40 सेकंड के इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी जो कथित तौर पर इलाके में एक पुलिस चौकी का इंचार्ज था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस टीम की टुकड़ी के साथ देखा जा सकता है। इस टीम में शामिल कई पुलिसकर्मी सड़क के किनारे खड़ी सब्जी की गाड़ियों को पलट देते हैं। इसके बाद इस टीम का नेतृत्व करने वाला पुलिसकर्मी इशारों में अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। इस वीडियो के कई पहलू सामने आए हैं और कई सवाल भी उठते हैं। आखिर पुलिस अगर प्रभावित जिलों में गश्त लगा भी रही थी तो किसी गरीब के ठेले पर रखा सामान पलटने की इजाजत इन्हें कौन देता है? लॉकडाउन के 50 दिन होने को आए, अगर अभी भी सरकार की सुविधाओं से रेड जोन में सामान नहीं मिल रहा, तभी तो कोई सामान ला रहा है और पहुंचा रहा है, तो ऐसे में भला गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों?